बीते वर्ष लॉकडाउन के समय से स्कूलों की मनमानी के खिलाफ धनबाद और तमाम झारखंड के अभिभावक स्कूल फी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराते रहे हैं। छात्रों और उनके अभिभावकों से लॉकडाउन के दरमियान ट्यूशन फी के लिए दबाव बनाया जाता रहा है, जिसको लेकर झारखंड अभिभावक संघ ने पीएमओ से मामले की शिकायत की थी। बीते वर्ष ही पीएमओ के निर्देश पर सीबीएसई ने धनबाद जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र जारी कर सर्कुलर लागू कराने के लिए कहा था। सीबीएसई ने अपने तमाम स्कूलों के लिए सर्कुलर जारी किया था, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा अभिभावकों ने फिर से पीएमओ को रिमाइंडर भेजा, जिसके बाद अब सीबीएसई ने देश के तमाम सीबीएसई विद्यालयों को सर्कुलर जारी कर निर्देश पालन करने को कहा है। पीएमओ की पहल पर सीबीएसई ने भले ही देर से निर्देश जारी किए हो, लेकिन इससे छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत अब जरूर मिलती नजर आ रही है। सीबीएसई ने झारखंड अभिभावक संघ के आवेदनकर्ता मनोज कुमार मिश्रा को इस बाबत जानकारी दे दी गई है। सीबीएसई के इस आदेश पर झारखंड अभिभावक संघ में खुशी की जाहिर की है। कोरोना काल जब प्रारंभ हुआ और अभिभावकों पर जिस तरह से फीस जमा करने के दबाव बनाया गया, इस दौरान हम लोग ने सीबीएसई बायलॉज का अध्ययन किया, तो नया सीबीएसई बायलॉज जो अक्टूबर 2018 को लागू किया गया है, उसमें प्रावधान किया गया था कि सारी चीज़ों को ऑनलाइन वेबसाइट पर डालना है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, टीचर्स का डिटेल्स डालना था, एनओसी का सर्टिफिकेट को डालना था, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उनको डालना था, प्रोविजन ऑफ एफिलिएशन का डालना था, ये सारे दस्तावेज पर सार्वजनिक होने चाहिए थे। साथ ही सोसाइटी जिसके द्वारा संचालित हो उसका डिटेल्स होना चाहिए था। तो इन सारे बातों को लेकर के हम लोगों ने सीबीएसई को कंप्लेन किया, सीबीएसई ने कोई कार्रवाई नहीं किया, तो हम लोगों ने पीएमओ को कंप्लेन किया कि पीएमओ के आदेश पर सीबीएसई ने सभी स्कूलों को पत्र जारी करके इन सारे प्रावधानों के आलोक में दस्तावेज को सार्वजनिक करने का आदेश दिया, लेकिन उसका कंप्लायंस नहीं हुआ। डीएससी को भी पत्र भेजा गया था, फिर भी कंप्लायंस नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने पीएमओ को रिमाइंडर किया, पीएमओ ने पुनः रिमाइंडर किया सीबीएसई को, सीबीएसई ने फिर से आदेश दिया, लेकिन डीएससी के स्तर से केवल स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया अपनाई गई और उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुनः हम लोगों ने जब पीएमओ को दिया तो फाइनली सीबीएसई ने सभी स्कूलों को सर्कुलर ही जारी कर दिया है। अब ये केवल धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, रांची तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे देश के लिए हो गया। तो ये पूरे झारखंड के लोगों की जीत है, मीडिया बंधुओं की जीत है, जिन्होंने मिलकर इसको सहयोग किया और मुद्दे को सार्वजनिक किया। अब हमें पूरा आशा है कि लोगों के साथ न्याय होगा, फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक होगा, बुक लिस्ट सार्वजनिक होगा और सारे दस्तावेज सार्वजनिक होंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग के हाथ में बहुत बड़ा अस्त्र आ चुका है, हम झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण में भी जा सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय में भी। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही अच्छा स्वागत योग आदेश अगर आया है सीबीएसई का, तो ये सभी स्कूलों को इसको मानना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी होगी और वेबसाइट पर अगर आप जितनी जल्दी जारी करते हैं उससे किसी तरह का किंतु परंतु का कोई भी प्रश्न, कोई भी आप पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पारदर्शिता को मजबूती प्रदान करता है। तो ये स्वागत योग है, ये मेरा मानना है कि सभी स्कूलों को ये गाइडलाइन फॉलो